ले जाता है तो भी बच्चों को ही मार दिया। माँ बाप का आदत कुरान सिखा दे, कुरान बढ़िया होगा तो पता होगा वह कदार को काट जाता हूँ वो इल्ला इल्ला वो बिल्वारी बल्कि इंशाल्लाह वाहुल्लाह वला तुशरिक बिही शैयन व मिन वालिदैन इहसाना। अल्लाह फरमाने अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने वालिदैन के लिए हुस्नुल सलूक करो, अपने वालिदैन के लिए प्यार करो, अपने वालिदैन के लिए भलाई करो, अपने वालिदैन की इज्जत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया कि ये बच्चा अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से ला, अपने वालिदैन के चेहरे को देख जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उन हर जो उम्र का सवाब अता फरमाए। काल देखिए, काल देखिए, कोई कैसे भी माँ बाप भाई बेटा उसके माँ की जियारत कर, अपने माँ बाप की जियारत कर, अपने माँ बाप ने चेहरे चेहरे को देख। तो ये जो मेरे सुने राजपाल ने मुझे फरमाया कि भाई घर पीछे अल्लाह पाक के हाथी उम्र का सवाब अता कर दे, सबको हाथी उम्र का सवाब देने के लिए तकलीफ होती है। कैसे बात हो रही है, क्या थी मैं क्या बड़ा, मैं वो मैं बड़ा, हमेशा वो बता मांगने करता कि आप बंदा अपनी असलियत ना है, वो बता कहीं मांगी ना कि जिला बंदा अपनी असलियत भूल गया ना तो हर जगह से शरीर होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि असल औलाद को एक तरकीब की दी है, एक उन्हें दर्श दीते और बस सही जगह इंसान अपने बारे में ही अपने बारे में देना उसको सुलूक ना पेश हो, अपनी मां ने ना खुलूस और प्यार क्या पेश हो, क्योंकि तुम मां ने अपने पेट के अंदर तकलीफ दर तकलीफ जह के 9 महीने अपने पेट के अंदर रखे हैं। तो बेटा तेरे नीच आ गया, अल्लाह को अपना एडा बड़ा तू वो बिचो भी बन के नहीं आ गया, तो मां ने पेट से जन्म दिया है। तेरे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर वालिदैन के जरिए भेज दिए। इमाम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने अगर तुझे जिहाद करने सरकार का सियाबिया के चले या रसूल अल्लाह में जिहाद दिखाना चाहता हुआ कमी वाला कहा आका ने तुझे इजाजत दियो मैं जिहाद करा, तेरे तो मेरे सुने ने बाल नबी ने फरमाया तेरी मां सुनने का जीता जिंदे सरकार ने फरमाया जा मां की खिदमत कर, अल्लाह तेरे जिहाद का सवाब अता करे।